दोस्तों, अगर आप पेटीएम का पेमेंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो देख लीजिए। आज की वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको पेटीएम का एक नया अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों से पेटीएम का अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, बैंक अकाउंट जो होता है, और बहुत सारे लोगों को पेटीएम का बैंक अकाउंट यानी कि बनाते वक्त ये वाला एरर आ रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पेटीएम के अंदर जब वो बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से उन्हें एरर आ जाता है कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंटरेस्ट, और यहाँ पर ये जो टेम्परेरी अनअवेलेबल है क्योंकि अकाउंट ओपन नहीं हो रहे हैं। लेकिन जबकि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ के साथ, देख लो, बिना किसी तरीके यानी कि किसी स्क्रीनशॉट के, बिना किसी यहाँ पर मैं कोई भी अटैचमेंट के, बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ के तौर पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख लो कि दो मेरे पास पेटीएम अकाउंट है, पहला ये है और दूसरा यहाँ पर ये है, तो दोनों के अंदर अलग अलग दिखा रहा है कि यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है जिसके अंदर टेम्परेरी अनअवेलेबल आ रहा है, और दूसरा यहाँ पर पेटीएम का बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट पेटीएम पेमेंट बैंक का पेज आ जाता है अकाउंट ओपन करने के लिए। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा ऑलरेडी एक पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन होया हुआ है, मैंने खुलवा रखा है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ कि इसका अकाउंट खुलेगा किस तरीके से और कौन लोग इसका पेटीएम का यानी कि पेमेंट बैंक अकाउंट इस वक्त खुलवा सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग पेटीएम का पेमेंट बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते क्योंकि उनके लिए यहाँ पर पेटीएम का एक नया रूल है। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो रूल क्या है और पेटीएम का नया अकाउंट नए यूज़र किस तरीके से ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपको अगर पेटीएम का बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आपको सबसे पहले तो पेटीएम का पुराना वर्जन अपने मोबाइल से इंस्टॉल करना होगा। जी हाँ, आप पेटीएम का पुराना वर्जन अपने मोबाइल से इंस्टॉल कर दीजिएगा, और अनइंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके टाइटल पर जब आप क्लिक करेंगे, इसे ही डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, और आपको यहाँ पर पेटीएम का एक रेफरल लिंक मिलेगा। आप इस पर क्लिक करिएगा, ये आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ से आपको सबसे पहले पेटीएम को अपडेट कर लेना है या आपको लेटेस्ट वर्जन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जब ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए तो अब आप इसमें सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करो, मोबाइल नंबर ओटीपी डालो, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको एक यूपीआई सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करो। जैसे ही इस पर टैप करोगे यहाँ पर आपको ऐड ए बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने मोबाइल में कोई सा भी बैंक अकाउंट लिंक कर लेना है जो भी आपके पास हो, जो पेटीएम के अंदर। यहाँ पर लिंक करने के बाद जैसे ही लिंक करने का प्रोसेस, वैसे मैंने पहले दिखा रखा है किस तरीके से लिंक करते हैं, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ेगा। जब आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाए, जैसे कि मेरा यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक होया हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पेटीएम पेमेंट बैंक आपको जो किस तरीके से ओपन करना है। आप वापस से आ जाइएगा, वापस से आ जाने के बाद मेन पेज पर ही अब आपको यहाँ पर पेटीएम के अंदर सबसे पहले ये देखना होगा कि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। जी हाँ, बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने मिनी केवाईसी नहीं कर रखी है। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने पेटीएम पेमेंट बैंक का यहाँ पर ऑनलाइन पेज आ रहा है जहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर ये बेनिफिट आपको दिए जाएंगे, तो आप यहाँ पर आसानी से पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आपका इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर पेटीएम का आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर आपको यहाँ पर टेम्परेली अनअवेलेबल आ रहा है, तो आपने यहाँ पर मिनी केवाईसी नहीं करा रखी, यानी कि जिन लोगों की मिनी केवाईसी नहीं हुई हुई होती है उनको यहाँ पर ये शो होता है, उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। जी हाँ, आपको अगर मिनी केवाईसी आपकी नहीं है और आपका इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर पेटीएम के बीसी एजेंट के पास पहुँच जाना है। जी हाँ, जो पेटीएम की केवाईसी वगैरह करते हैं, पेटीएम से पैसा वगैरह निकालते हैं, ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं, मनी वगैरह, तो वो यहाँ पर आपकी यहाँ पर मिनी केवाईसी कर देंगे। पेटीएम का यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह वगैरह डालकर आपकी मिनी केवाईसी कर देंगे और आपका सेविंग अकाउंट वहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, या आप अपने आप ओपन कर लीजिएगा। इस तरीके से होम पेज आ जाएगा। मैं उनको बात करता हूँ यानी कि जिनको इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर नीचे ही उनको ये सभी चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ पर ओपन सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहीं पर आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से वेरीफाई करना होगा, प्रोसीड विद SMS का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP हम यहाँ पर एंटर करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कैंसिलेशन का मैसेज आ जाएगा। आपका यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आएगा कि आपका यहाँ पर इसे फुल KYC में अपग्रेड यानी कि सेविंग अकाउंट में इसे अपग्रेड कर लो, और अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड फुल KYC का ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करूँगा आपके सामने आ जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड से KYC करके अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आपकी मिनी KYC हुई हुई होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके एरिया में एजेंट होगा जो आपकी मिनी KYC की होगी, उनने आपके आधार कार्ड से या आपने ऑनलाइन अपने आप की होगी, तो इस तरीके से आपको आधार से वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर आपका ऑलरेडी आधार कार्ड नंबर पड़ा आएगा, आप यहाँ पर अपना आप भी आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। नीचे प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, और वो OTP डालने के बाद आपकी यहाँ पर
वेरीफाई करना होगा आपको पैन कार्ड डिटेल डालकर, और पैन कार्ड डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी वगैरह और अपने यहाँ पर फादर का नेम, मदर का नेम वगैरह डालकर यहाँ पर वीडियो KYC कर लेनी है, यानी कि वीडियो चैट करनी है पेटीएम पेमेंट बैंक एजेंट से। वहाँ पर वो आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह को दिखाने को कहेगा, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर एक सेल्फी कैप्चर करेगा, और उसकी आप वहाँ पर आपकी फुल KYC कर देगा, जिसके बाद आपका सेविंग अकाउंट 2 दिन के अंदर यानी कि 48 से 24 घंटे के अंदर खोल दिया जाता है, और आप यहाँ पर पेटीएम सेविंग अकाउंट का यहाँ पर फ़ायदा ले सकेंगे। तो इस तरीके से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।